सुखीराम एक अमीर व्यापारी था। वो बहुत बड़े महल में रहता था और बहुत आरामदायक जीवन गुजार रहा था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, बहुत से नौकर थे। इतना सब होने के बावजूद वो दयालु और संतुष्ट व्यक्ति था। उसे न तो अपने धन पर घमंड था और न ही किसी प्रकार का उसे लालच था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था, एक नौकर वहां आया और उसने व्यापारी को बताया, मालिक, एक गरीब आदमी आपके द्वार पर आया है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, दिखने में बहुत भूखा और कमजोर लग रहा है। अच्छा, वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि आप उसके बचपन के मित्र हैं। बचपन का मित्र? क्या नाम बताया उसने अपना? दुखीराम। वो सच कहता है, वो वाकई में मेरे बचपन का मित्र है। सुखीराम नाश्ता छोड़कर खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर गया। सुखीराम को देखते ही उस गरीब आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सुखीराम अपने मित्र को घर के अंदर ले आया और उसे सम्मान से बिठाया। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मित्र, गांव में मेरी एक छोटी सी दुकान थी। हाँ। कई वर्षों तक तो मेरा व्यापार अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक दुकान में आग लग गई। बस उस दिन से मेरा बुरा समय शुरू हो गया। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा तुम एक अमीर आदमी हो, पता नहीं तुम मुझे पहचानोगे भी या नहीं। आज भी मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। दुखीराम, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि तुमने अपने दुख के समय मुझे याद नहीं किया। यदि मुझे तुम्हारे हालात का पता चल जाता तो शायद तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। जो बीत गया सो बीत गया। आज से ही तुम मेरे व्यापार में सहयोग करोगे। जी। जाओ अतिथि कक्ष में जाकर अपने आप को तरोताजा करो और नाश्ते के लिए आ जाओ। आज हम दोनों मिलकर बचपन की तरह एक साथ खाना खाएंगे। उस दिन से दुखीराम सुखीराम के साथ काम करने लगा। ये देख सुखीराम के मित्र दुखीराम से ईर्ष्या करने लगे कि गांव का एक गरीब व्यक्ति सुखीराम के व्यापार में सहयोगी कैसे बन गया। मित्रों ने सुखीराम के कान भरने शुरू कर दिए, परंतु सुखीराम एक बुद्धिमान और विश्वसनीय मित्र था। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शीघ्र ही दुखीराम के परिश्रम का फल नजर आने लगा। सुखीराम का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब वो अपने व्यापार की चिंता छोड़ कई कई दिन शहर से बाहर रहता। उसे विश्वास था कि दुखीराम उसके व्यापार की ठीक प्रकार से देखभाल कर लेगा। रात का समय था। दुखीराम खिड़की के पास बैठा ताजी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। उनकी बातों से दुखीराम समझ गया कि ये लोग चोर हैं और जानते हैं कि सुखीराम शहर में नहीं है, इसलिए ये लोग घर की बहुमूल्य वस्तुएं चुराने की योजना बना रहे हैं। दुखीराम ने कुछ क्षण सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। नौकरों को बुलाकर किसी को डुगडुगी, किसी को मंजीरा, किसी को तबला तो किसी को मंदिर की घंटी थमा दी और बोला, सभी लोग जोर जोर से बजाओ। बे मूर्खो, तुमने तो कहा था कि सुखीराम घर पर नहीं है, केवल घर में बूढ़े नौकर ही हैं। अरे मैंने गलत तो नहीं कहा था? तो फिर ये आवाज़ें किसकी हैं? मैं क्या बताऊँ? मुझे विश्वास है कि सुखीराम कुछ लोगों के साथ घर में ही हैं। हाँ, और ये संगीत उन अतिथियों के मनोरंजन के लिए बज रहा है। अच्छा। हाँ, इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं, यहाँ से भाग लो। चलो चलो, भागते हैं। हाँ, चलो। अगली सुबह सुखीराम घर वापस आया तो नौकरों ने उसे बताया कि किस प्रकार दुखीराम की योजना से चोर भाग गए। सुखीराम को अपने मित्र की चतुराई पर बहुत गर्व हुआ। फिर सभी व्यक्ति
जो दुखी राम से ईर्ष्या रखते थे, उसकी चतुराई और बुद्धिमानी का लोहा मान गए।